सो आज हम लोग जा रहे हैं प्रियम्बल रेस्टोरेंट, जिसको आर्टिकल 21 भी बोलते हैं। अभी मैं हूँ ऑफिस में और यहाँ से निकल के सीधा घर जाके मैं जाऊँगी प्रियम्बल रेस्टोरेंट विच इज़ आर्टिकल 21। एंड हम लोग पहले यहाँ पे जा चुके हैं एंड सीरियसली गाइस ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। ये द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर है। प्राइस वाइज एंड टेस्ट वाइज दिस रेस्टोरेंट इज़ अमेजिंग, सो आप ज़रूर विजिट करिएगा। हमें इसका खाना बहुत टेस्टी लगा था, इसलिए सेकेंड टाइम वी आर गोइंग देयर। अब वहाँ जाके आई विल शो यू द इंटीरियर एंड द फूड विल ऑर्डर। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज आर्टिकल 21 रेस्टोरेंट इज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जो कि संसद मार्ग पे है। जब आप इसमें एंटर करेंगे तो गार्ड आपको मिलेगा जो कि बता देगा कि पार्किंग अंदर जाके राइट साइड है। बहुत ही बढ़िया पार्किंग एरिया बना हुआ है, सो आपको पार्किंग की टेंशन नहीं लेनी है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एंटर करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आने वाली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया गाइज नाम से समझ आ रहा है ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते होंगे, उनका लंच एंड डिनर स्पॉन्सर होता होगा। बट बेस्ट पार्ट इज़ कि ये हम जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ओपन है एंड एनीबडी कैन गो इनसाइड दिस। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी वाइब आ रही है एंटर करते ही। लेफ्ट हैंड साइड पे जाके आप जाएंगे तो एक गैलरी है, इस गैलरी में भी काफ़ी अच्छी वॉल पेंटिंग्स लगा रखी हैं। सीधा स्ट्रेट जब आप गैलरी में देखेंगे तो सामने ही ग्लास जो डोर ग्लास सेक्शन है वो आपका आर्टिकल 21 रेस्टोरेंट ही है। उधर जाने के बाद आप हल्का सा लेफ्ट टर्न लेंगे तो ब्राउन कलर का जो गेट है वो एंट्रेंस गेट है रेस्टोरेंट का। उसके अलावा अगर आप राइट साइड देखेंगे तो एक कॉफ़ी ब्रेक नाम से कैफ़े बना है, बहुत ही अमेजिंग है। और पिक्चर्स के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप अंदर जाएं तो फुल पिक्चर्स ले सकते हैं। ये इंटीरियर है रेस्टोरेंट का, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस है। और गाइस एक नई चीज़ जो यहाँ पे हुई है वो ये कि अब आपको फिज़िकल मेन्यू कार्ड नहीं दिया जाएगा। आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है एंड देन व्हाट्सएप पे आपको हाय भेजेंगे आप, तो आपको PDF आ जाएगी मेन्यू की एंड उसी के थ्रू आपको मेन्यू ऑर्डर करना है। आई थिंक ये थोड़ा हमने ऑर्डर किया था मंचाओ सूप, यहाँ पर टमाटो सूप नहीं मिलता, टैंगी मशरूम बहुत टेस्टी थे, नूडल्स एंड आफ्टर दैट वी ऑर्डर मेन कोर्स। सो गाइज इंटीरियर आप देख ही पा रहे होंगे कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये आपको वाटर बॉटल पेड वाली नहीं देते, जो कि MRP पे चार्ज होके बिल में लगती है। ये आपको ग्लासेस में वाटर सर्व करते हैं। उसके अलावा देखिए मैंने एग्जिट किया यहाँ से तो कितना अच्छा इंटीरियर बना हुआ है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पे जाके। नाउ आई हैव शेयर्ड द मेन्यू ऑफ दिस प्लेस। मेन्यू में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, आपको देख के लग रहा होगा देयर इज़ सो मच टू ऑर्डर। बट आपको ये बता दूं कि जब हम डिनर पे गए थे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि दैट लिमिटेड कुजीन्स आर अवेलेबल राइट नाउ, लाइक वी वर नॉट एबल टू ऑर्डर पिज़्ज़ा बर्गर समथिंग्स। दे टेल दैट ओनली नॉर्थ एंड चाइनीज़ कुजीन वॉज अवेलेबल एट द टाइम। सो आप जाएँ तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा गाइस आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो टू दिस प्लेस एट लीस्ट वंस विद योर फैमिली, क्योंकि बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है इस जगह का, बहुत ही अच्छी सर्विस है एंड प्राइस वाइज भी ये अपने आप को जस्टिफाई कर रही है। हम लोगों को ये जगह बहुत पसंद आई थी, दैट्स वाई वी विजिटेड सेकेंड टाइम। सो आप लोग ज़रूर जाइए, नाउ यू कैन एन्जॉय द मेन्यू ऑफ दिस प्लेस। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।